असलकम वरम् वक् वेलकम टू हफसाज़ किचन मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन से चिकन चाउमिन की रेसिपी लेके आई हूँ चिकन चाउमिन बचपन से ही मेरा फेवरेट है मैं बहुत अलग अलग तरह से इसको बनाती रही हूँ लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी जब आप इसको बनाएंगे और खाएँगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जी फलर रेस्टोरेंट से हमने सेम जायके का चाउमीन खाया था तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अच्छा जी तो सबसे पहले हम एग नूडल्स बॉईल कर लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक बर्तन में मैंने पानी गर्म कर लिया है जब पानी में इस तरह उबाल आने लगेंगे तो हम इसमें वन टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे अब यहाँ पे चाउमीन बनाने के लिए आज मैं ये वाले एग नूडल्स इस्तेमाल करूंगी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है नॉर्मली रेस्टोरेंट्स वगैरह में ना चाउमिन बनाने के लिए इसी तरह के एग नूडल्स जो है इस्तेमाल होते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है अब नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि ना चाउमिन बनाते हुए ना नूडल्स को तोड़ के पानी में ऐड करते हैं तो जी ऐसा मत कीजिएगा आप पानी में नॉर्मल इस तरह से ऐड करें और जैसे ही नीचे के नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो फिर आप उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिएगा थोड़ा सा रोटेट करेंगे घुमाएंगे ना तो वो अंदर जाता जाएगा पैन में अब ना हम इसको तकरीबन दस मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे दरमियान में हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करेंगे ताकि नूडल्स जो है ना वो आपस में चिपके ना अच्छा तो तकरीबन दस मिनट हो चुके हैं हमारे नूडल्स यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं बेहतरीन तरीके से अब हम इसको छान लेंगे तो इसको छानने के लिए हम सिंपल एक छने वाली प्लेट यूज़ करेंगे या कोई भी सीफ कोई छन्ना इस्तेमाल करेंगे और तमाम नूडल्स को इस तरह से छान लेंगे अब हम इसको ठंडे पानी से इस तरह से वॉश कर लेंगे इस तरह से क्या होता है दो चीज़ें होती हैं एक तो नूडल्स आपस में चिपकती नहीं है और दूसरा ये मज़ीद सॉफ्ट नहीं होती जहाँ पे हमने 10 मिनट इसकी कुकिंग की है तो वो कुकिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा मज़ीद कुकिंग नहीं होगी अब हम एक बोल रखेंगे इसमें ऐड कर लेंगे चिकन तकरीबन वन फिफ्टी ग्राम्स और यहाँ पर चिकन को ना आप स्ट्रिप्स में कट कर लीजिएगा इस तरह से अब हम चिकन में स्पाइसी ऐड करेंगे तो सबसे पहले ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर 140 फोर्टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक 140 फोर्टी स्पून सोया सॉस वन टी स्पून चिली सॉस वन टी स्पून अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थ्री टेबल स्पून फ्लावर और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे एग यानी कि अंडा एक अदद अंडा ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स में आप चिकन चाउमिन खाते हैं आपने नोटिस किया होगा उसकी चिकन नॉर्मल चिकन नहीं होती उस पर एक कोटिंग होती है वो यही होती है तो यहाँ पे ये यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे तो चिकन को फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ़ कप तो जी देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है चिकन को अब हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे चिकन को इस तरह थोड़ा सेपरेट भी करेंगे ताकि ये आपस में मिले ना इसको थोड़ा साइड पे कर लेंगे और बाकी के चिकन को साइड पे डाल के फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से हम तमाम चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छा तो हमें चिकन को ना यहाँ पे फ्राई करना है ताकि ये कुक हो जाए ये नहीं कि ये कच्ची अच्छी है हमें इसको कुक करना है क्योंकि चाउमीन में ना हम इसको सिर्फ इस्ट्राई करेंगे तो यहाँ पर हमें इसको बेहतरीन तरीके से फ़्राई कर लेना है कि ये अच्छे से गल जाए तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन से चिकन जो है वो फ्राई हो गई है इसको हम इस तरह से एक छन्ने पे निकाल लेंगे देखिए इस तरह से अब हम चिकन को एक तरफ रख देंगे चाउमीन बनाने के लिए हम इस तरह से एक वॉक ले लेंगे इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल लेकिन वही ऑयल ऐड करेंगे जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी क्योंकि उसमें फ्लेवर होगा अब इस तरह से तकरीबन फोर टेबल स्पून के करीब ऑयल जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे साथ ही यहाँ पे ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि कि अदरक लहसुन का पेस्ट ट्वेंटी स्पून इसको अच्छी तरह से हम इसमें पकाएंगे अब हमें इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऐड कर लेंगे गोभी तकरीबन वन कप शिमला मिर्च तकरीबन हाफ़ कप गाजर तकरीबन हाफ कप ये तमाम चीज़ें मैंने जूलियन में कट कर ली हैं और हरी प्याज का जो टॉप वाला पार्ट होता है ना वाइट वाला पार्ट वो हम ऐड कर लेंगे स्लाइस में कट करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिली सॉस वन टेबल स्पून सोया सॉस टू टेबल स्पून ओयस्टर सॉस वन टेबल स्पून ये यहाँ पे हम स्पेशल ओमामी फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे इससे बहुत अच्छा इसमें रिच टेस्ट आएगा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर वन एट टी स्पून चिकन पाउडर वन टी स्पून शुगर हाफ टी स्पून सॉल्ट कि नमक हाफ टी स्पून साथ ही साथ यहाँ पे हम फ्राई की हुई चिकन ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे अराउंड टू टेबल स्पून अब हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे जैसे ही सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे बॉईल किए हुए एग नूडल्स हरी प्याज तकरीबन हाफ कप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेवर हमारे चाउमिन को देती है तो आप ये स्किप मत कीजिएगा हरी प्याज को आप इस तरह से लंबाई में थोड़ा कट कर सकते हैं अब हम तमाम चीज़ों को स्टर फ्राई करते हुए पकाएंगे, अच्छे से टॉस करते हुए पकाएंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए ताकि तमाम फ्लेवर्स आपस में कंबाइन हो जाए सब्जियां अपना फ्लेवर छोड़ेंगी और वो नूडल जो है उसमें कंबाइन होगा तो बहुत ही अच्छा सा अरोमा, फ़्लेवर और टेस्ट बनेगा तो यहाँ पे चाउमीन हमारा रेडी हो चुका है बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है गर्मा गर्म, गर्म चाउमीन को हम सर्व करेंगे अब हम इस तरह से प्लेट में चाउमीन को सर्व कर लेंगे तो जी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा चिकन चाउमीन जो है वो रेडी हो चुका है इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से तो जी चिकन चाउमिन इसी तरह से रेस्टोरेंट्स में बनके तैयार होता है जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको याद आएगा कि आपने इसको फ़ला रेस्टोरेंट से खाया था क्योंकि इसी तरह से बनके तैयार होता है तो बहुत ही डिलीशियस से चिकन चाउमिन तैयार है अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफिज़